शर्मानंद जी आप अपना परिचय दीजिए। जी मेरा नाम शर्मानंद राय हुआ सर, पिताजी का नाम श्री लाल बहादुर राय हुआ, अभी वर्तमान मुखिया हमारी माता श्री है वो संपत्तिया देवी है। इनके कार्यकाल में सर जी कम से कम चार सौ साढ़े चार सौ के आसपास वृद्धा पेंशन हुआ है। सरायपुर पंचायत में 10 वार्ड है सर, 10 वार्ड में जैसे कि नल जल का शुद्ध पेयजल का कार्य हो गया है सर। ये है यहाँ का स्थिति सर, कि मान लिया कि यहाँ के भौगोलिक जो वार्ड का स्थिति है जी, हम लोग का 1600 मीटर का जैसे एस्टिमेट मिला, उस हिसाब से हम लोग कराए कार्य को। ऐसा है कि 1600 मीटर में हम लोग के पाइपलाइन पूर्ण नहीं रहा है, तो इस पंचायत में लगभग 50% वार्ड जो है 5 वार्ड 50% में नल जल का कार्य हम लोग कराए, 50% आधा अधूरा है सर। और जो नली गली है वो लगभग 50% हम लोग जैसे कि करा चुके हैं, 50% का कार्य जैसे कि प्रगति पर है सर। विकास को लेकर अगर बात करें सरायपुर पंचायत की, तो कहीं ना कहीं शायद गंगा के किनारे का ये इलाका है, जरूर यहाँ शायद हमें जहाँ तक जानकारी है कि बाढ़ प्रभावित इलाका रहा होगा। जी जी, सड़कों की स्थिति तो जरूर जर्जर हो जाती होगी, बनते होंगे टूटते होंगे, तो क्या उसको लेकर के आपने वन टाइम ऐसा कोई प्लान किया कि ताकि सड़कें टूटे भी नहीं, बाढ़ आए तो फिर स्वतः सड़कें जीर्ण शीर्ण अवस्था में ना हो, ज्यों के त्यों रहें, इसको लेकर क्या आपने काम किया? देखिए सर, इस सड़क टूटता था तो पहले हम लोग का जैसे कि मरम्मती कार्य जाता था, उससे थोड़ा बहुत हम लोग करा लेते थे। आज ऐसा है कि हम लोग के सड़क टूट जाए बह जाए, उस मरम्मती कार्य में हम लोग जैसे कि कोई फंडिंग नहीं कर पाते हैं। तो सड़क ही ऐसा बने कि मजबूत बने, ढलैया वाला सड़क जो सर बने? जो भी सड़क है वो लगभग ये पंचायत का आप देख लीजिए, 8 साल 10 साल पहले का रोड भी देखिएगा तो टूट नहीं पाया है, मतलब सड़कों की स्थिति बढ़िया है। हाँ, सड़कों की स्थिति माता श्री जब मुखिया बने तो सड़कों की स्थिति यही थी या और आप बेहतर? नहीं नहीं सर, जो माता श्री बनी है मुखिया उससे पहले भी पंचायत का जैसे कि पक्की सड़क बना था पीसीसी वर्ग, और माता जी के भी टर्म में जैसे कि 1000-2000 फीट जैसे सर जी बना है, वो भी ठीक ठाक अभी है। बाकी सड़कों की क्या स्थिति है? बाकी सड़कों का है कि थोड़ा बहुत तो लगभग जैसे कि मान लिया जाए कि सोलिंग का ही है, लेकिन सोलिंग भी बहुत कम बचा है, और पुराने रोड जैसे कि आज से 20 साल पहले का जैसे कि पीसीसी है, जो आप 10 नंबर देख रहे हैं, 10 नंबर से हमारे पंचायत तक हो के ये धरामपुर पानापुर धरामपुर बिद्दुपुर जो निकलती है रोड, वो आज से 20 साल पहले बना हुआ है। वो लंबा रोड है पीसीसी सड़क, उतना हम लोग के जैसे कि अवेलेबल फंड है नहीं, वो आज तक जैसे कि टूटा पड़ा है। बाकी आप आए हैं जो 1 नंबर से पूर्व आए हैं, वो प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना है, ठीक ठाक ही रोड है। जो इस तरफ आया है सो पंचायत से शुरू में 2001 में जो बना है रोड, 2001-02 में जो हमारे पिताजी मुखिया थे उस समय बना है, आज भी वो रोड जैसे कि तत्काल है, थोड़ा बहुत टूटा है लेकिन फिर भी उसका स्थिति ठीक है सर जी। आगामी चुनाव में अगर आपकी माता श्री दोबारा चुनाव जीतती हैं तो रोड को लेकर क्या आपके पास रोड मैप है सड़कों को लेकर? सड़कों चाहेंगे बनाना? जी जी, जो सड़कों का है वो हम लोग के नज़र में है सर, मान लिया जाए कि कहाँ क्या है, अब थोड़ा बहुत नया भी रोड जैसे निकालना है सर जी, थोड़ा सोलिंग भी डालना है, ये है तो यहाँ जो भी है जमीन का भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है सर, अब देहात में वो बड़ा समस्या उभर रहा है। जमीन कोई देना नहीं चाहता? जमीन कोई देना नहीं चाहता है, हम लोग चाहते हैं कि रोड निकल जाए ताकि ग्रामीण जो भी टोला के लोग हैं इससे अच्छा रहे, इनको भी जाना आना शुरू हो जाए। लेकिन मान जैसे जमीन की बात होती है तो कहीं ना कहीं तो जिनके जमीन के बगल में सड़कें अगर बनेगी तो ज़्यादा फायदा तो वही उठाते हैं, दरवाजे तक चार चक्का उनके पहुंच जाएगा, अगर किसी का तबीयत खराब होता है तो एम्बुलेंस तक पहुंचेगी उनके घर पे, फिर ऐसी समस्या क्यों होती है, लोग क्यों नहीं सोच पाते? ऐसा है सर जी, ये हर समाज में 10 वो अच्छे आदमी है, 2 वो खराब भी आदमी है सर, मान ली 8 आदमी एग्री है, 2 आदमी पेड़ पार उसमें कर ही देता है, अनमन थोड़ा है, हम ही से अनमन है। मान ले कि हम सर जी मुखिया आया हैं सरायपुर पंचायत, हमारा भी विरोधी बैठे हुए हैं, हमारा भी विरोधी उनका शायद आदमी होगा, देखता है कि मुखिया जी विकास कर देंगे तो शायद हम इसमें फेलियर हो जाएंगे,
इसके कारण भी थोड़ा बहुत लोकल पॉलिटिक्स में मतलब ऐसा होते रहते हैं जी, ताकि मुद्दा बनाने आसान हो जी। मान के तो यही चला जाए। अब हमारा जो आभास है अपना आभास बताते हैं सर जी, इसको लेकर के सिविल सोसाइटी को काम करने की जरूरत है, आम आदमी को समाज को। लेकिन हम लोग के सर जी प्रयास से ऊपर उठ जी जी, हम लोग का प्रयास रहता है धीरे धीरे वैसा बहुत तो रोड को हम लोग जैसे कि समस्या को समाधान किया है सर। स्वास्थ्य सुविधा को लेकर के आम आदमी को कितना सहयोग दे पाए हैं? देखिए आम आदमी का होता है तो मान लिया जाए कि आम आदमी के हम लोग के सर मान लीजिए PMCS है सर जी, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? सरकारी सुविधा सर तो मान लेंगे, मान लिया जाएगी सर या हम लोग के तत्काल में जैसे कि सदर हॉस्पिटल है हाजीपुर, तो दूर पड़ेगा आपका? दूर पड़ता है, दूर पड़ेगा सर जी। तो हम लोग चाहेंगे कि हम स्वास्थ्य जैसे कि हॉस्पिटल खोल दे तो संभव भी नहीं है। हम लोग लिख के देते हैं प्रखंड में, हम लोग के लिखना काम है, लिख के हम लोग बढ़ा देते हैं। सर की दूरी कितना है यहाँ से? यहाँ से 10 किलोमीटर है सर। रेफरल हॉस्पिटल रेफर यहाँ से जैसे कि तो 25 किलोमीटर पड़ेगा सर पड़ेगा। जी हम लोग के जिला ही जैसे कि कवर करता है सर जी। शिक्षा को लेकर के स्कूल क्या स्थिति है? स्कूल का सर जी स्थिति है जो जो चल रहा है से स्कूल चल ही रहा है। प्लस टू का स्कूल है आपके? प्लस टू का नहीं है सर। प्लस टू के बच्चे कहाँ जाते हैं पढ़ने? प्लस टू के जाते हैं सर तिरसिया भी आज से 2 साल पहले बना है, प्लस टू का बना है ना। उसके बाद जैसे कि 10 प्लस टू के लिए जढ़ुआ यहाँ के हम लोग लड़का हो लड़की यहाँ से पड़ेगा सर, कम से कम जढ़ुआ पड़ता है 5 किलोमीटर से। पंचायत स्तर पर प्लस टू स्कूल नहीं है? नहीं सर। उसको लेकर के क्या आपकी तरफ से कुछ पहल की गई? पहल की गई है सर, उसमें पहल की गई है कि थोड़ा जमीन का जैसे कि आया था हम लोग के ब्लॉक से भी लेटर आया, जिला से भी लेटर, जैसे कि हम लोग के जैसे कि भाई कहीं 10 प्लस टू के लिए आप लोग जमीन उपलब्ध कराइए। घर में जरूर जमीन नहीं है? नहीं है, बिहार सरकार हम लोग जमीन में नहीं है, नहीं है सर। पंचायत सरकार भवन भी तो नहीं बन गया? पंचायत भवन है पहले से? पंचायत भवन है सर पहले। अच्छा, पंचायत सरकार भवन के लिए? हाँ पंचायत भवन है, जैसे कि उप स्वास्थ्य केंद्र भी यहाँ नहीं है सर। नहीं है। उसको लेकर के? उसको लेकर अगर जो फंडिंग हो जाता है तो उसका जमीन फंडिंग नहीं। सवाल है कि आपने अधिकारी से बात की, अप्रोच किया? हाँ। राइट अप दिया कि मुंह से बोला, लिख के दिए थे आप या मुंह से बोले? ऐसी एक मीटिंग में हम लोग मुद्दा उठाए थे सर। सवाल तो जनता आपसे चाहेगी ना कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आपने उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए आपने लिख के डिमांड किया था पंचायत की तरफ से? मुद्दा में आया था सर जी, दे दिए थे मीटिंग में। जनता को तो दिखाना पड़ेगा? हाँ दिखाना पड़ेगा, वो मौके का कोई वैल्यू है नहीं सर। लिखित है, लेकिन खैर लिखित भी हम लोग कर देंगे सर। ये हम लोग चाहते हैं कि उप स्वास्थ्य केंद्र बने, शिक्षा और स्वास्थ्य पर अच्छा सुधार बने। यहाँ प्रेग्नेंट वीमेन जो होती हैं उनको THA माने आर्थिक लाभ जो मिले, लेकिन राशन वगैरह की जो सुविधा है वो मिल पाती है आंगनबाड़ी से? आंगनबाड़ी में सर जी तत्काल में तो इधर जैसे कि साल या 5 या 6 महीना से लॉकडाउन के समय से शायद थोड़ा बहुत उपलब्ध हुआ है, उसके बाद तो उपलब्धियाँ थोड़ा बहुत कम है देख रहे हैं। पिछले 4 साल में आंगनबाड़ी का सहयोग नहीं मिला आपको? किस चीज़ के लिए? वही आपको टेक होम राशन में गर्भवती महिलाओं को चाहे ना उचला है सर, उचला है। हाँ उचला है जी। आपका प्राइवेट स्कूल हुआ यहाँ? प्राइवेट स्कूल, प्राइमरी स्कूल? हाँ प्राइमरी स्कूल जो बगल में हमारा माता ही श्री उसमें जमीन दी है। हाँ ठीक ठाक चल रहा है सर। बच्चे स्कूल जाते हैं या? देखिए बच्चे स्कूल जाने के लिए जैसे कि अगर जो नहीं भी है तो यहाँ हम लोग इतना जैसे कि टीचर पर टाइट किए हुए हैं सर जी कि घर से भी बुला के जैसे कि बच्चा को लाया जाता है सर। लेकिन कब तक कै दिन उसमें थोड़ा बहुत सर जी गार्जियन की भी टूटी है, जो समाज का टूटिया है जो वास्तविकता हम बताते हैं सर जी। ऐसा नहीं कि राजनीति स्तर की बात हम आपसे नहीं कर रहे हैं, जो हम लोग का समाज में टूटी है वो बात माने अपना हम जैसे कि टूटी बताते हैं सर, हमारा समाज की टूटी बताते हैं। क्या सहयोग रहा है इसमें आम लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने में? ये तो कहते हैं कि भाई आने वाला समय में हम इतना तक बोलते हैं सर अपने जानते भर में, जो उठा निशान रहेगा वो हिंदुस्तान के नागरिकता समाप्त हो जाएगा।
या लोग के भय समझ गया या समाज समझाने का तरीका समझ गया सर जी, इसलिए कम से कम साक्षर बनाने के लिए आप अपना बच्चा के स्कूल में भेजा। स्कूल का कुछ डाटा बताएंगे, जैसे मान लिया आपके आपके यहाँ जो मैट्रिक की स्कूल है उसमें कितने बच्चे पिछले साल फर्स्ट डिवीजन किए थे, कितने में कितने, कुछ आंकड़ा है कुछ इसका? इसका आंकड़ा सहयोग आपका मिला इसका सर? सीरियसली इसका आंकड़ा पलायन कर जाते हैं यहाँ से बच्चे, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ? देखिए यहाँ शिक्षा सर उतना बड़ा उभरा हुआ नहीं है, जो सच्चाई है सब बताते हैं, सब आदमी गार्जियन चाहता है कि हम, हाँ जो मान लिया जो, देखिए सर हम लोग थोड़ा बहुत प्रेशर दे सकते हैं, जबरदस्ती किसी के साथ कर नहीं सकते हैं। अच्छा प्लान करने वाला शिक्षा सर वो यहाँ संभव है नहीं, बहुत सारे लोग यहाँ नहीं रहते होंगे, यहाँ वस्तु स्थिति है कि जहाँ यहाँ जहाँ बैठे हुए सर लोग कहीं बाहर अन्य प्रदेशों में रहते होंगे। हाँ रहते हैं, पिछले कोरोना काल में जो अगर आए तो यहाँ नेचुरली आपके यहाँ क्वारंटाइन सेंटर बना होगा कोरोना काल में? जी नहीं, ये स्कूल एक जैसे कि सरायपुर टोला में बना था, लेकिन दो से तीन दिन के लिए वहाँ जब तक हम लोग सैनिटाइज थोड़ा दुबेट का जैसे कि बनाए थे अपना तरफ से, जैसे कि साबुन सैनिटाइज मास्क भेजे थे, लेकिन तीन दिन के बाद यहाँ से समाप्त कर कर और जैसे कि सरायपुर जो तरसिया स्कूल में है उसको कन्वर्ट कर दिया गया। कुछ दिन यहाँ क्वारंटाइन चला, उसके बाद यहाँ से भी समाप्त करके और जैसे कि राघोपुर ब्लॉक में कर दिया गया सर। तो उस दौरान जो क्वारंटाइन सेंटर चला, सरकार के तरफ से जो भी सुविधाएं मिल रही थी दिया गया हुआ? देखिए सर उसमें जैसे कि कुछ बाहर से फंसे हुए लोग थे, नहीं आए, मेरा ये कहना था कि क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग, हाँ आए थे उस समय में मिलने गए थे सर, योजनाओं का लाभ मिला कि नहीं? हाँ हाँ उसमें जैसे कि अब मान लिया जाए कि उसका तो मीनू मेरे पास नहीं था, मीनू था नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ जैसे कोरोना जैसे मेरे ही पंचायत के 10 लोग थे। आपका तो उसमें तो बहुत बड़ी भूमिका है ना, अगर मान लीजिए सीओ यहाँ होंगे, सीओ मॉनिटर कर रहे होंगे, लेकिन मुखिया की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उसको क्वारंटाइन सेंटर को प्रॉपर वे में चलाना। मेरे पंचायत में तो था नहीं सर, ये सच्चाई है सर कि जो जब तक तीन दिन के लिए मेरे पंचायत में क्वारंटाइन रहा एक भी क्वारंटाइन जैसे कि नहीं हो पाया। कोरोना के बाद जो सरकार की तरफ से सुविधा दी गई जैसे मास्क बांटना, साबुन वगैरह सैनिटाइजर, इसको लेकर क्या आपने काम किया? हाँ काम किया है सर, वितरण हुआ है? हाँ वितरण किया है सर। जन वितरण प्रणाली की स्थिति क्या है आपका? जन वितरण प्रणाली का सुविधा सर अब सीधा सीधा है, एक समय में जैसे कि घटना हुआ था कि दो बार तीन बार अंगूठा लगा के डीलर लोग जैसे कि अनाज नहीं देते हैं, ये जैसे कि मोहनपुर पंचायत में ये मुद्दा उठा सर, आपके यहाँ? मेरे पंचायत में नहीं हुआ। आपके यहाँ पंचायत में पूरा अनाज मिला लोगों को? जी जी मिला। रेट भी सही दिया गया? हाँ रेट सही, यहाँ है कि जैसे कि थोड़ा सा भी टूटी फूटी होता है ना सर यहाँ दरवाजा खटखटा देता है लोग। बहुत लोग सहज स्वीकार कर लेते हैं ना, यही तो समस्या है ना देखिए सर जी, उसको लेकर क्या उसमें है कि इसमें आपको हम क्या कहा जाए, अब मोहनपुर जैसे कि मुद्दा उठा है इसके लिए एसडीओ साहब मुखिया और जैसे कि डीलर लोग का एकाएक वहाँ मीटिंग बुला ली जिला में, हम लोग गए वहाँ मुद्दा चला कि भाई तीन तीन बार हम लोग के जैसे कि अंगूठा लगा लिए डीलर लोग, हमको जैसे कि अनाज नहीं गया। ये समस्या आपके यहाँ भी आई? ये समस्या मेरे यहाँ आज तक नहीं आया है। उसके बाद जैसे कि वहाँ एसडीओ साहब खरा मैंने खरे जवाब में बोल दिया कि देख लीजिए मुखिया जी, देख लीजिए ये अंगूठा कोई अगर जो व्यक्ति अपना लगाता है स्वयं उसका जिम्मेवारी बनता है कि अपना उसी वक्त अनाज दे, अगर जो अनाज नहीं देता है डीलर उस समय में डायरेक्ट आप फोन कर, हम जैसे कि उसी समय एफआईआर कर देंगे सर। ये एक एक आदमी को जैसे कि जहाँ तक सर जी, और जो बट भी रहा है वहाँ जब प्रणाली के दुकान पर डीलर के यहाँ जो राशन भी मिल रहा है वो खरा खरा जाके हम सर जी ये मुद्दा भी सुना देते हैं। कोरोना काल में भी राशन कार्ड बने आपके यहाँ? कितना बने? उसमें हमारे यहाँ बहुत कम बना, मात्र 82 बना। आवेदन कितने आए थे? आवेदन लगभग उस समय में 800 के करीब गया था, मात्र 82 बना। कारण क्या था? अब कारण तो सर दो सवाल है, बाकी उसके एलिजिबल नहीं थे, उनका राइट नहीं था ले पाने का या नहीं दिया गया, क्या कारण? नहीं उसका राइट था। फिर क्यों नहीं दिया गया? अब इसका कारण उस समय में हम लोग का सर जीविका को मिला था ना, उस समय में हम लोग का उस सिस्टम से हटा दिया गया था सर।
जीविका नहीं ना सर, जीविका को मिला था। जीविका का जैसे कि हम लोग के यहाँ कोई रोल नहीं रहा। ठीक है, आपका रोल नहीं, मैं मानता हूँ, मैंने जीविका को मिला था ना। हाँ, जीविका को मिला था। जीविका पूर्व में सर्वे कर रही थी, यही तो हम जाना चाहते हैं। जीविका को मिला तो क्या प्रॉब्लम? जीविका सर जी, जो हुआ क्वारंटाइन उस समय चल रहा था, उस समय में जो जहाँ हुआ जान रहा है कि हमारा जीविका ये है, डायरेक्ट फॉर्म वहाँ ले लेके पहुँचता था। कोई माने पेंशन का मुद्दा होता है सर जी, जो बच्चा है कभी कभी बोल देते हैं, कभी रास्ते में चलता है, कभी अगर सुबह के टाइम में हम लोग निकलते हैं तो दे भी देता है। कितना आदमी नहीं, अगर जो मान लिया कि आधार कार्ड की जैसे कि जिनके पास फोटो स्टेट नहीं है, बहुत सा पासपोर्ट साइज फोटो नहीं है, हम कहें कि भाई दीजिए। बैंक का कितना के खाता नहीं है, ये भी समस्या है। हम कहें कि ये पेपर लेके लाइए भाई, उसको फॉर्म भर के निशान लेके हम लोग ब्लॉक में जमा कर देते हैं। लेकिन 10% का ही पास हुआ जी। हाँ, उस समय में कोरोना काल में जी हाँ, उसमें बहुत कम होगा। उस बिरासी को सबको अनाज मिल रहा है? हाँ, बिरासी को तो मिल रहा है सर। कोरोना काल में विशेष प्रावधान किया गया था अलग से प्रधानमंत्री की तरफ से राशन? जी 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 मिली। हाँ मिली, हाँ मिली सर। वो तो डायरेक्ट जनता से भी पूछ सकते हैं, उसे जनता है हर जगह सर अनमन का। नल जल योजना को लेकर कितना संतुष्ट है आप अपने यहाँ? देखिए, नल जल जो जहाँ जितना योजना है ना सर जी, उतना योजना में लगभग जैसे कि जहाँ जहाँ वही जो बड़ा वार्ड है सर जी, उसमें पानी नहीं पहुँच रहा है। हम लोग का यही उद्देश्य है कि जितना जल्दी इसका अगर जो कोई सोल्यूशन निकाल दे, इसके लिए हम प्रखंड विकास पदाधिकारी को दो बार लेटर दे चुके हैं सर जी। इसके चलते थोड़ा बहुत हम लोग जिस वार्ड में जैसे कि पूरा नहीं हो रहा था, तो जनता के आक्रोश में कि मान लीजिए एक तरफ हम पानी दे पाते हैं सर, एक तरफ नहीं दे पाते हैं, इसके लिए हम लोग 6 महीना रोक भी दिए सरकार, थोड़ा बैक भी हो गए थे। कारण कि भाई आप सब दे दीजिए कि ताकि हम लोग तो भाई लोकल पॉलिटिक्स है, लोकल हम लोग गांव में रहते हैं। अब मान लीजिए एक भाई का मिल रहा है, एक भाई के नहीं मिल रहा है सर। पूरे पंचायत में आधा लोगों को मिल पाया है चला? नहीं, कितने लोगों को? जैसे कि कुछ वार्ड है ना, जैसे 7 नंबर वार्ड है सर फुल पानी मिल रहा है, 5 नंबर वार्ड है फुल पानी मिल रहा है। टोटल वार्ड कितना हो गया? 10 है सर। 10 है सर। दो ही वार्ड को फुल पानी मिल रहा है? नहीं है, उसमें 9 का समथिंग मिल रहा है सर। एक में भी जैसे कि मिल रहा है सर, ये 8 में नहीं मिल पा रहा है सर। कारण क्या है उसमें नहीं मिल? वही जो लंबा वार्ड है सर। अच्छा। उसका भौगोलिक स्थिति ऐसा वार्ड के है। अच्छा। जो उतना में हम लोग पूरा नहीं पाते हैं सर। उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या होता? वैकल्पिक तो है, वैकल्पिक व्यवस्था है। हाँ सर, हम लोग तो उतना नहीं है, जो हम लोग के वैकल्पिक व्यवस्था चापाकल था हम लोग मिलकर उसको पहल कीजिए, करना पड़ेगा। मान लीजिए उसका रास्ता निकाले सरकार जी, इसके लिए हम लेटर दे चुके हैं सर, उसे कहिया तो ऑथोराइज। हाँ, लेटर कॉपी है मेरे पास। चलिए, आपसे सारा कुछ हमने जान लिया। कृषि की योजना आम जन के लिए आती है, कहीं ना कहीं यहाँ के किसान ही मालिक हैं आपके। किसान की योजनाओं को लेकर के कितना लोग यहाँ योजना का लाभ उठा पाते हैं, आपको कुछ जानकारी है इसके बारे में? देखिए, किसान भी है इसमें। जी, किसान सम्मान योजना भी है? ना ना, वो तो है पंचायत में, वैसा किसान सम्मान योजना लगभग 25 आदमी ले रहा है सर। मेरा कृषि से जो भी है, लोगों को भी तो मिलना चाहिए ना? मिलना चाहिए जो किसान तो ये सर जो नियम सिस्टम में जाएगा वही ना फायदा उठाएगा सर। कितना के आप देखिएगा तो आधार कार्ड उसको लिंक नहीं है, खेत के रसीद में पहल करना पड़ेगा ना, किसान सलाहकार को प्रेशर दे करके भाई इनका कराओ किसी तरह, मैंने इनका जो समस्या इनसे दूर करा कर करो। इतना पहल किया है तब तो सर 25 से 50 हुआ है, 75 होगा। थोड़ा समस्या होता है सर। केसीसी यहाँ जैसे कि बुझाता है कि 20 साल पहले लोन मिला था सर कुछ लोगों का, उसके बाद जो भी केसीसी लोन लिया 8 ना जैसे कि चुकाने के लिए तैयार नहीं। जो समस्या जो जानकारी है समस्या ऊपर है, इसी में जो बैंक से जिनका साख अगर जो साफ सुथरा है वो ले रहे हैं, दे रहे हैं सर। ठीक ना, किसी को लेकर ताकि किसान के पास पूंजी नहीं रहेगा तो खेती किसी को तो सर जी, हम लोग तो बैंक को न जाएंगे, मैंने बैंक का सहयोग नहीं मिल पा रहा। हाँ, बैंक का सहयोग नहीं मिल पा रहा, कमी है। अच्छी बात है आपका कहना। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग भी आपके यहाँ आता है, उसकी भी योजनाओं का लाभ लोगों को मिलना चाहिए, उसको लेकर के आपने पहल किया है, कितना लोगों को जोड़ पाया उसकी योजनाओं से? उसके लिए सर मछली पालन आपका हो गया? मछली पालन ही सर बाढ़ इलाका। अच्छा, बाढ़ प्रभावित इलाका हर साल आता है? हाँ, 100% डूबा रहता है। हाँ, अच्छा डूबा रहता है, इसलिए
लेकिन तब बढ़िया है ना कि आहार पानी तो भर जाता होगा पानी से, शॉर्ट टर्म के लिए तो हो सकता है। जिस समय सर मछली रहेगा अगर जो अब पूरा पानी अगर जो पूरा भर जाएगा तो मछली का हम लोग रोक पाएंगे सर? जब कम हो जाए शॉर्ट टर्म का तो हो सकता है ना व्यवसाय कम दिनों के लिए। अब कम दिनों के लिए सर उतना हार्ड भी मिट्टी नहीं है सर, उतना हार्ड भी मिट्टी नहीं है, देख रहे हैं बलदस मिट्टी है, गंडकी मिट्टी है, पानी उतना बहुत यहाँ जैसे कि ऑब्जर्व करता है धरती। अच्छा लगा आपसे बातचीत करने के सर्वानंद राय जी, और आगे आपका क्या प्लानिंग है, क्योंकि जनता ये भी जानना चाहेगी कि आप जो भी काम किए चलिए सर्वग्रह हैं, लेकिन आगे 2021 में अगर चुनाव होता है पंचायत का तो फिर से आप मुखिया प्रत्याशी बनने जा रहे हैं या नहीं, आपकी माताश्री बनेंगी या नहीं? उद्देश्य तो है सर बनना है, उद्देश्य तो है पर अगर आना है। हाँ जी भाई, जब आना है तो अगली रणनीति आपकी क्या होगी वह भी जनता आपसे जानना चाहिए। अगली रणनीति सर जो आप जो डिमांड किए हैं शिक्षा और स्वास्थ्य, ये उद्देश्य जो बचा हुआ है जैसे कि शुद्ध पेयजल, नली गली थोड़ा बहुत जहाँ तहाँ बचा है उस पर निगाह तो है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के आप संतुष्ट हैं? हाँ। कितने लोगों को आवास दे पाए? और इस टर्म में हम लोग जैसे कि लगभग 255 आदमी के लगभग हम लोग दे पाए सर। और क्या ड्यूज रह गया आप अपने टर्म में 255 लोगों को दिए? हाँ ये टर्म में और कितना कुछ ड्यूज हो रहा है, प्रोसेसिंग हो रहा है? देखिए 262 ये तो 62 जो नया है सर इसका तो हम लोग के ऑप्शन में है, लेकिन 323 लगभग 300 के आसपास, उतना तो आंकड़ा देखने पर डाटा हम बताएंगे, लेकिन समथिंग 300 के आसपास हम लोग जैसे कि इस टर्म में हम लोग इंदिरा आवास जो बेनिफिशियरी थे लाभार्थी थे उनको क्या कुछ इसके लिए खर्च भी करना पड़ा या आराम से उनको मिले? जी नहीं कोई खर्च नहीं, नहीं आप पूरे हम क्या सर हम तो अपना नियर बोलेंगे। अब पंचायत में किसी भी अगर जो है पूछ लिया जाए कि मुखिया जी के इस तरह की समस्या है इस समय में है, थोड़ा बहुत बिचौलिया है से टर्म कंडीशन बैठाता है सर जी, लेकिन डायरेक्ट वे में किसी से पूछेगा कि आपके इंदिरा आवास मिला है तो मुखिया जी के क्या दिए हैं क्या लिए हैं, आप तो आप स्वतंत्र है इसके लिए पूछ, हमसे भी पूछ सकते हैं, जनता से पूछ सकते हैं, पदाधिकारी से भी पूछ सकते हैं सर। आगे